गुड मॉर्निंग बच्चों, ये सरफेस टेंशन पढ़ा रहे थे, ठीक है। सरफेस टेंशन पढ़ा रहे थे और उसमें क्या क्या बता दिया है, सरफेस टेंशन को फोर्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं ये बता दिया, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है ये बता दिया था, ठीक है। मतलब जब भी फोर्स लिखना है सरफेस टेंशन को यूज़ करके, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ एल, एल क्या होता है, इमेजिनरी लेंथ। अच्छा, इसमें फोर्स का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता है जो सरफेस के अलोंग होता है। सरफेस के अलोंग क्यों होता है, क्योंकि ये सरफेस फेनोमेना है। और दूसरी बात जो अपने को याद रखनी होती है कि वो क्या होता है, जो भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये दो बातें अपने को याद रखनी है, ठीक है। फिर हमें याद रखना था सरफेस एनर्जी। सरफेस को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सरफेस में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी को क्या लिखते हैं, सिग्मा टाइम्स ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। मतलब सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया अगर लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, कुछ बेसिक फेनोमेनास भी तुमको मैंने समझा दिया है, ठीक है। कि वो जो भी लिक्विड के बबल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, या लिक्विड के बबल, सॉरी, वाटर के बबल इस शेप के होते हैं। लिक्विड का बबल, मर्करी का जो बबल होता है वो पूरा पूरा स्फेरिकल होता है, ऐसा कुछ बात मैंने तुमको बताया था। फिर इससे पहले वाले एक लेक्चर में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको सिखाया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। अब लिक्विड के ड्रॉप के अंदर सिर्फ एक लेयर बनता था, लिक्विड वाले ड्रॉप में सिर्फ एक लेयर बनता था, तो वहां पे हमने एक्सेस प्रेशर बताया था 2 सिग्मा अपॉन r, ऐसा कुछ आया था। और अगर दो लेयर बनता है, जैसे एयर बबल में दो लेयर बनता है, तो वहां पर एक्सेस प्रेशर कितना आया था, 4 सिग्मा अपॉन r आया था। अच्छा, इसके अलावा एक एक्वेरियम प्रॉब्लम भी मैंने तुमको बताया था। वो एक्वेरियम प्रॉब्लम में क्या होता है, वो जो हमने देखा है ना कि वो जो पानी के बुलबुले होते हैं नीचे, जब वो पानी के बुलबुले जनरेट होते हैं तो छोटे होते हैं, ऊपर जाते जाते वो क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो P1V1 = P2V2 यूज़ किया था, एक्सेस प्रेशर लिखना सिखाया था वहाँ पे। वो स्पेशली मैंशन इसलिए कराया गया है क्योंकि वहाँ पे वो एयर का बबल होता है, फिर भी सिर्फ एक ही लेयर फॉर्म होता है, क्योंकि एयर जो है वो सिर्फ अंदर है, बाहर तो पानी ही पानी होता है। इसलिए हमने क्या किया था, वहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर था उसको 2 सिग्मा अपॉन r के लिखा था, या σ/2r, जो भी इसका फॉर्मूला होता था, मेरे को इतना याद नहीं रहता। आज क्या करने वाले हैं, आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। कैपिलरी एक्शन, मगर अगर मैं बोलूं ना तो सरफेस टेंशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर कॉलेज एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कैपिलरी एक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक और चीज तुमको बता दिया है, इस संडे मैं टेस्ट लेने वाला हूं। टेस्ट होगा फ्लूइड्स का, और फ्लूइड्स में कहां तक, तो सरफेस टेंशन से पहले तक। सरफेस टेंशन से पहले तक मतलब तुमको प्रेशर, पहले तो प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाया था, फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी तुमको सिखाया, फोर्स ऑफ बॉयंसी के बाद हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना सीखा था, और बर्नौलीज के बाद हमने लास्ट में क्या देखा था, विस्कोसिटी। तो ये चार टॉपिक है जिसको मिला के क्या होगा, इस बार टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी का मतलब होता है थिन ट्यूब या थिन पाइप। जैसे वो जो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्लांट सेल में पढ़ा होगा, अब एग्जैक्टली तो मेरे को ज्यादा याद नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में उन्होंने पढ़ा है जाइलम सेल और फ्लोएम सेल, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या उन्होंने, तुमने क्लास टेंथ में भी तुमने भी पढ़ा होगा, मैंने भी क्लास टेंथ में पढ़ा था, वही मुझे याद है अभी भी। तुमने क्लास टेंथ में पढ़ा था जाइलम सेल और फ्लोएम सेल। अब ये जो जाइलम सेल होते थे ये क्या करते थे, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे सही याद है तो ये जो जाइलम सेल्स होते थे, जाइलम सेल्स क्या करते थे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और ये जो फ्लोएम होता था, फ्लोएम को क्या बोलते थे, वस्कुलर सेल्स ऐसा कुछ बोलते थे एग्जैक्टली, अब मेरे को मैं भूल रहा हूँ, कंपेनियन सेल, वस्कुलर सेल, ऐसा कुछ होते थे वहां पे, उसमें सब कैटेगरीज होती थी। अच्छा, ये जो हमारे पास फ्लोएम सेल्स होते हैं, ये फ्लोएम सेल्स क्या करते थे, वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं क्या,
वाटर ट्रांसपोर्टेशन, देखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली दो तरह से होता था प्लांट्स में, एक तो ट्रांसपीरेशन होता है जो तुमने सीखा होगा, पत्तों से क्या होती है, पत्तों से वो जो जब वाटर इवेपोरेट करके जाती है तो एक सक्शन प्रेशर डेवलप करती है, वो जो सक्शन प्रेशर डेवलप करती है उसके कारण लिक्विड क्या होता है या पानी जो होता है वो रूट से स्टेम पे चढ़ता है, एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है फ्लोएम सेल्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब एक्चुअली में वो जो फ्लोएम सेल्स हैं या जो होते हैं वो अपने फिजिक्स के टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो हम क्या मानते हैं कि ऐसे ऐसे ट्यूब्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। अब ये जो पतले पतले ट्यूब्स होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब ये कैपिलरी प्लांट में तो दिखता नहीं है अपने को, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो जो मिट्टी के तेल का वो जो लैंटेन होता है ना, जिस मिट्टी के तेल का जो लैंटेन होता है, लैंटेन या लैम्प या एक एक इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे बंद डब्बे होते थे ठीक है, और ये यहाँ पे एक ऐसी कपड़ी की कपड़े की पत्ती होती थी और यहाँ पे ये आग जलती थी, इस तरह का ये गांव में अपन यूज करते थे, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो, अपन तो इसको ये बोलते थे ढिबरी, तुम लोग क्या बोलते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम इसको ढिबरी बोलते थे, ऐसा ढिबरी या कुछ और भी नाम होता होगा। अब ये जो जो नॉर्मल दिया होता है, वो जो नॉर्मल जो दीपावली वाला जो दिया होता है उसको भी अगर तुम देखोगे तो वो काम कैसे करता है, तुमने एक कटोरे टाइप के अरेंजमेंट में ऑयल रख दिया है और ऑयल से कनेक्ट करता हुआ तुमने क्या कर दिया, एक वो जो बत्ती होती है वो बत्ती तुमने ऐसे लगा के रख दी है। अब क्या होता है, जैसे ही तुम उसको लिट करते हो तो तुमने ऑयल पे आग लगाया क्या, नहीं, तुमने क्या किया, वो जो बत्ती थी बत्ती पे आग लगाया। अब वो बत्ती क्या कर रही है, वो धीरे धीरे जैसे ये बत्ती जो है ऐसा ऐसा कुछ होता है दिया, यार मेरा पेंटिंग बहुत अच्छा है यार, ऐसा कुछ होता है और यहां पे क्या होती है वो ऐसे आधी आधी डूबी आधी ऐसी रहती है और यहां पे ऑयल ऐसे डाला हो रहता है और इसमें क्या करते हैं आग ऐसे लगा देते हैं। अभी दिया अभी ये मोदी जी ने भी जलवाया था, अभी जलाया हुआ तुम लोगों ने भी अपने घर में, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे छोटे छोटे इस तरह के ट्यूब्स बने होते हैं, ये ट्यूब्स क्या करते हैं, ट्यूब्स के हेल्प से लिक्विड ऐसे ऐसे मूव करके आता रहता है। एक्चुअल में जो जलता है वो तो ऑयल ही चलता है ना, ये बत्ती तो नहीं, अगर सिर्फ तुम सर वो समझो कि वो जो कॉटन की रुई थी, सिर्फ कॉटन की रुई को अगर जलाओगे तो कितना टाइम तक जलेगा, वो तो तुरंत जल के खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में कौन जल रहा है यहां पर, ये जो ऑयल यहां पर आ रहा है वही जल रहा है क्या। अब इस तरह के एक्शन को ही, इस तरह के एक्शन को ही जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है इस पतले पतले ट्यूब्स में, उसको ही हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी एक्शन। अब बोलोगे सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, तो तुम जो भी एग्जांपल रिलेट कर सकते हो ना, तुम क्या करना, ये जो लालटेन होता है या जो मिट्टी के तेल का लैंप होता है उसकी जो बत्ती होती है वो ऐसी आती है, ऐसी कपड़े की आती है, और तुम देखना इसमें पोर्स बने होते हैं, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, पोर्स बने होते हैं। अब यहां पे क्या है ना, ये हर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये हर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, एक कैपिलरी के जैसा बिहेव कर रहा है। अब कैपिलरी में क्या होता है, जो भी लिक्विड डाला होता है वो ऐसे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही रोशन कंसेप्ट है, अगर सीख जाओगे तो तुम्हारे भी दिमाग में दिए जल जाएंगे ठीक है। तो हम सीखने क्या वाले हैं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी सबसे पहले पूछोगे सर ये कैपिलरी क्या होता है, तो कोई भी पतली सी ट्यूब मतलब जिसका डायमीटर बहुत कम है, और अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज बताऊं ना, ऐसा कोई भी ट्यूब जिसका डायमीटर लेस देन 10^-3 मिलीमीटर से कम होता है, पतली ट्यूब 10^-3 मिलीमीटर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जो जाड़े वाली पाइप आती है वो ला के रख दिया और बोल रहे हो कि सर इसमें तो पानी नहीं चढ़ रहा, नहीं भाई, एक पतली ट्यूब होगी, पतली ट्यूब मतलब इस तरह की पतली ट्यूब होगी ना, तो पतली ट्यूब में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो खुद ब खुद ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब लिक्विड जो खुद ब खुद ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है, या कुछ केसेस में आप देखोगे लिक्विड नीचे भी चला जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन का बेस्ट एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स तो बता सकते हैं, वो जो फ्लोएम वाले सेल्स होते हैं, फ्लोएम वाले सेल्स होते हैं वो कैपिलरी के जैसा बिहेव करते हैं, जिसके कारण तुम जो पानी डालते हो, बेसिकली तुम पानी क्या करते हो, रूट्स में डालते हो। अब पानी रूट्स में डालते हो, वो रूट से क्या होता है, पानी पूरे प्लांट को चला जाता है क्या, तो कोई ना कोई वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें क्या बने होते हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज बने होते हैं ठीक है। ये हो गया, या ये जो दिया होता है जिसको हम लोग दिवाली के दिए में जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है,
कॉटन की एक रुई होती है जिसको मैं ऐसे ऑयल में डिप कर देते हैं और ये धीरे धीरे ऑयल आता जाता है और ये जो दिया है वो क्या करता है, ग्लो करता है। ये आपने देखा होगा, ये गांव में ये पहले यूज होता था। उसमें क्या होता था, एक ऐसा बन टाइप का कटोरी होती थी और उसमें क्या होता था, वो वही कॉटन की एक रुई होती थी या कपड़े की रुई डाल देते थे और उसमें क्या करते थे, आग लगा देते थे, धीरे धीरे इसमें ऑयल चढ़ता था और ये ग्लो करता था। ये गांव में पहले होता था, हमारे गांव में तो चलता था ये। और ये कैपिलरी में वो जो लालटेन होता है मिट्टी के तेल वाला, मिट्टी के तेल वाला लालटेन अगर आप देखोगे तो, अब मत बोला कि सर मैंने लालटेन नहीं देखा है, लालटेन नहीं देखा है तो अभी जाओगे मार्केट और लालटेन खरीद के आओगे, इतना ये लालटेन बहुत ही कॉमन चीज़ है भाई। ऐसा नहीं कि सर मेरे घर में तो लाइट जाती नहीं, सर हम तो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं सर। ये मिट्टी के तेल में वो जो बत्ती होती है उसमें क्या होते हैं, तुम देखो ध्यान से तो उसमें पोर्स बने होते हैं। अब उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, वो जो अरेंजमेंट होता है उसमें कुछ बत्ती का कुछ पार्ट होता है वो ऑयल में डिप्ड होता है और उस बत्ती का कुछ पार्ट होता है वो ऊपर होता है। अब धीरे धीरे ऑयल ऊपर चढ़ता जाता है और वो क्या करती है, बत्ती ग्लो करती है। इस तरह के फेनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। अच्छा, कैपिलरी एक्शन का एक और एग्जाम्पल तुमने वो देखा है क्या, जब फील्ड में कुछ नई, जो जो एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, या तुम अगर आसपास में भी कोई अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा तभी तुम जान जाओगे। जो फील्ड होता है, फील्ड में मान लो जब कटाई वटाई हो गई, पूरा जो भी क्रॉप था क्रॉप को कल्टीवेट करके हमने रख लिया, उसके बाद भी ना वो जो फील्ड है, वो जो फील्ड है उसको प्लॉ करके छोड़ देते हैं। प्लॉ करके मतलब उसको प्लॉइंग समझते हो ना, हाँ, मतलब वो मिट्टी को खोद खोद के छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी पूरी इवन होती, ये मिट्टी पूरी इवन होती तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं तो यहाँ पे जब सन रेज गिरेंगे तो ये लिक्विड चला जाएगा क्या। अब ये वाटर जैसे ही चला जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैंड पूरा ड्राई हो जाएगा। लैंड ड्राई होने के बाद तुम देखना यहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्रैक, ये जो सूखापन है, ये सूखापन क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सूखापन अच्छा नहीं है, तो ये सूखेपन को हटाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे उसको ऐसे ये जो कैपिलरीज बनते हैं उसको तोड़ देते हैं। कैपिलरीज को तोड़ देने से क्या होगा, जो भी रेट था इवेपोरेशन का वो कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये कुछ बेसिक फेनोमेनाज हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना है। अब इसके ऊपर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कैलकुलेशन, ये बेसिक जो एग्जाम्पल्स है वो तो तुमने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, कुछ ना कुछ में कम से कम तुमने ये लालटेन तो जलाया ही होगा भाई। अब अगर तुम एकदम ही अंधकार में हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने ये दिया, ये दिवाली वाली दिया तो जलाए होंगे वो, शायद वो जो अरेंजमेंट है वो तुमने, वो कुछ अलग, ये लोकल नाम होता है, ये मींस दिस इज द नेम गिवन टू दिस अरेंजमेंट इन झारखंड। आई एम नॉट सेइंग दैट योर स्टेट विल ऑल्सो हैव दिस पर्टिकुलर नेम डिबरी, योर स्टेट माइट हैव अनदर नेम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेट यू कैन नेम दिस एंड यू कैन ऑल्सो राइट योर नेम ऑफ दिस अरेंजमेंट इन कमेंट सेक्शन कि वॉट इज इट कॉल्ड। देखो जनरली अगर आप कभी भी गांव गए होगे ना तो इस तरह का अरेंजमेंट तो मिला होगा। तुम ऐसा तो नहीं हो कि एकदम कोई वर्ल्ड क्लास गांव से आते होगे सर कि वहां पे तो लाइट जाती नहीं, सर वहां पे तो हमारा खुद का, हमारा स्वदेश स्टाइल, हमारा वो मोटर पंप अरेंजमेंट है, हम खुद ही अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और एक माता होती बिजली। क्या नाम था उसका, मोहन, मोहन स्वदेश में हमारा जो हीरो था उसका नाम क्या था, मोहन। उसमें एक सॉन्ग बहुत अच्छा है स्वदेश में, दो तीन सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। एक तो वो जब चले जाता है, वापस जब आता है, मिट्टी की है वो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। लिटरली मतलब पिक्चराइजेशन वाइज बहुत अच्छा है सॉन्ग, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर एक और सॉन्ग है वो जब वो पहली बार जा रहा होता है, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, मूवी अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। वो जब कैरावन से जा रहा होता है तो यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। और एक लव सॉन्ग भी है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो भी अच्छा है। ओवरऑल इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो पैट्रियटिज्म तो थोड़ा बहुत जाग जाएगा जरूर। अब एक कैपिलरी एक्शन देखते हैं। कैपिलरी एक्शन में मैंने क्या बोला, मान लो एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है, मतलब ये पूरा वाटर था ऐसा, और मैंने इसमें क्या कर दिया, बहुत ही पतली सी पाइप मैंने ऐसे डाल दी। अब ये बहुत ही पतली सी पाइप है, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, पाइप को मोटी दिखाई गई है, क्योंकि अगर बहुत ही पतली सी पाइप दिखा दूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं, सब शून्य बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा इसमें। तो हमने क्या किया है, हमने एक कैपिलरी बनाया है,
कैपिलरी, कैपिलरी मतलब पतली सी पाइप, ठीक है, पतली सी पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी में होगा क्या, अब जैसे इस कैपिलरी को कुछ टाइम के लिए छोड़ के रख दोगे ना, अच्छा ये ऐसा जरूरी है कि कैपिलरी का पाइप जो डायमीटर होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा डायमीटर का होगा, जैसे वो जो नॉर्मल जो घरों में पाइप लगती है, नॉर्मल जो घरों में पाइप लगती है, वो तुम अगर वाटर के अंदर ऐसे डाल दोगे, मान लो तुम्हारे घर में जो सप्लाई है वो वाली पाइप को तुमने लिया और क्या कर दिया, पानी बकेट में ऐसे डाल दिया, मतलब इसे पानी तो चढ़ा ही नहीं, तो वो नहीं चढ़ेगा भाई, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, डायमीटर यहाँ पे बहुत कम होना है। तुमने अगर केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, वो टाइट्रेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें क्या करते थे, एक ब्यूरेट होता है, एक पिपेट होता है, पिपेट से आप क्या करते हो, ऐसे सक करते हो, NaOH KOH ये सब आप क्या करते हो, सक करके फाइंड करते हो, और कभी कभी जब आपको एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, कंसेंट्रेटेड HCl, तो आप क्या करते हो, एक पतली सी आपको एक रॉड मिलती है, उस पतली सी रॉड, वो जनरली एसिड वाले बॉटल में डूबा होता है, उसको ऐसे उठाते हो तो उसमें से दो तीन ड्रॉप निकल जाती है क्या, तो वही पतली सी जो ट्यूब होती है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी। अब तुम वहां कभी भी लैब जाओगे तो अगली बार देखना कि वो जो पतली सी ट्यूब है वो कितनी पतली होती है। अब ये जो कैपिलरी है, आप इसको जैसे ही यहां पे डाल दोगे, आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद यहां पे जो लिक्विड था, कुछ टाइम के बाद यहां पर जो लिक्विड था वो लिक्विड क्या होगा, इस तरह से एच हाइट ऊपर चढ़ जाता है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, इस तरह से एच हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये लिक्विड कौन सा है, वाटर है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में। अब ये लिक्विड जो एच हाइट ऊपर चढ़ गया, अपने को फाइंड करना होता है कि ये जो एच हाइट ऊपर चढ़ा उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब ये कितना हाइट खुद से खुद चढ़ने वाला है, इसी का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे, हमें ये पता होता है ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास इस तरह से अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, तो ये क्या है, ये अगर वाटर के सरफेस में देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होता है क्या। अब अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, तो अगर मैं डायग्राम कंप्लीट करूं ऐसा, तो ये जो मेरे पास कर्वेचर है, इस कर्वेचर का ये रेडियस हो गया क्या आर, ये जो कर्वेचर मेरे पास फॉर्म हुआ था, इस कर्वेचर का रेडियस क्या हो गया, कर्वेचर का रेडियस मैंने लिख दिया आर, और यहां से यहां ये पाइप का पाइप का रेडियस है, पाइप के रेडियस को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल आर, लिख सकते हैं क्या ऐसा। अच्छा, फिर कॉन्टैक्ट एंगल मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, कॉन्टैक्ट एंगल में क्या है, जहां पर भी लिक्विड सरफेस और उस कंटेनर में कॉन्टैक्ट बनता है, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और किस एंगल से मतलब होता है, हमें मतलब उस एंगल से है जो लिक्विड को इनक्लोज करता हुआ बना होगा, मतलब अगर मैंने यहां पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, कॉन्टैक्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, लिक्विड को कंटेन करता हुआ ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये अपना कॉन्टैक्ट एंगल हो गया क्या, कॉन्टैक्ट एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह अगर मैं यहां पर बनाता ऐसा, तो ये अपना कॉन्टैक्ट एंगल हो जाता थीटा, ठीक है, लिक्विड को इनक्लोज करता हुआ जो एंगल होगा टेंजेंट और कंटेनर के बीच में, उसी को हमने कॉन्टैक्ट एंगल बोला था। अब ध्यान से देखना, तो इस वाले लाइन पर, ये काले वाले लाइन पर, ये रेड वाला लाइन परपेंडिकुलर है क्या, अच्छा, और ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों के, इनके परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर रेड वाला लाइन और ग्रीन वाले पे भी रेड वाले लाइन, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या, हाँ या ना, जब तक डायग्राम नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन नहीं समझ में आने वाला। मैंने बोला कि यहां पे ये थीटा है तो ये भी थीटा मैंने बना दिया, वो जो ऊपर का ट्रायंगल है वो एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है, इस तरह से हमारे पास बना हुआ है। अभी डेरिवेशन देखना, दो तरीके से मैं डेरिवेशन बताऊंगा, पहला तरीका ऑफ डेरिवेशन जो तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में बताया जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है तो यहां पे प्रेशर कितना पी नॉट, यहां पे प्रेशर कितना पी नॉट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर पॉइंट का प्रेशर सेम होता है क्या, तो यहां पे प्रेशर कितना पी नॉट, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी एयर है, अगर उसके ऊपर भी एयर है तो यहां पर भी प्रेशर कितना पी नॉट, बात समझ में आ रहा है, पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट। अच्छा, अभी
हमने एक्सेस प्रेशर वाले जब आपको कंसेप्ट सिखाया था तो मैंने क्या बताया था कि जो भी एक्सेस प्रेशर होता है तो कॉनकेव साइड का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, ऐसा बताया था। और कितना ज्यादा होता है तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, ये सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ आर होता है क्या? ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ आर होता है या टू सिग्मा अपॉन आर होता है? टू सिग्मा अपॉन आर होता है शायद। टू सिग्मा अपॉन आर, ये क्या होगा, ये पी इन माइनस पी आउटसाइड, ये टू सिग्मा अपॉन आर होता है क्या? ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से देखना, इसी कंसेप्ट को यहां पे यूज करने वाले हैं। यहां पर पी नॉट है और यहां पे इस वाले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास पॉइंट वन, अगर यहां का प्रेशर पी नॉट है और मैं एच हाइट ऊपर चढ़ना स्टार्ट करूं, तो जब एच हाइट ऊपर चढ़ते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है क्या? तो ये जो पी वन है, पी वन जो है, पी वन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी नॉट प्लस रो जी एच। पी वन के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, ये मैंने पी वन लिख दिया। अच्छा अब ये मेरे पास, ये पी वन मेरे पास इनसाइड पॉइंट है और मान लो ये टू, ये टू मेरे पास आउटसाइड पॉइंट हो गया क्या? नहीं, ये वन मेरे पास इस, ये पॉइंट हो गया और ये टू मेरे पास ऐसा पॉइंट हो गया, मैंने वन और टू मार्क कर लिया है। अब तुम खुद से बोलो किस वाले एंड का प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले एंड का या सेकंड वाले एंड का? वो डायग्राम देखो तो जो भी कॉनकेव एंड है उसका प्रेशर ज्यादा होगा क्या? तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से प्रेशर एट टू मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट वन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और कितना ग्रेटर होता है, तो प्रेशर एट टू माइनस प्रेशर एट वन, प्रेशर एट टू माइनस प्रेशर एट वन क्या होगा, टू सिग्मा अपॉन आर होगा क्या? जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा इस लिक्विड का सरफेस टेंशन है। P2 पे जो प्रेशर है वो P नॉट है क्या? तो ये लिख दिया मैंने P नॉट माइनस P1 पे जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस है सॉरी, P1 पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा P1 माइनस रो इंटू जी इंटू एच, P1 माइनस रो इंटू जी इंटू एच, और ये कितना हो जाएगा, टू सिग्मा अपॉन आर। सिंप्लीफाई कर लो, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस रो जी एच टू सिग्मा अपॉन आर। अच्छा ये आर क्या था, ये जो आर मैंने लिखा है, ये जो आर एक्चुअल में होता था, ये जो भी लिक्विड था या जो भी कॉनकेव एंड होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या? तो यहां पे भी मैंने क्या लिया है, ये जो मेरे पास कर्वेचर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मैंने कैपिटल आर लिखा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा पी नॉट से माइनस पी नॉट अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच, ये टू सिग्मा अपॉन आर बना गया। अच्छा ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो कन्वीनियंट नहीं है। क्यों सर? अब ये जो फॉर्मूला बना है टू सिग्मा अपॉन आर, रो जी एच इक्वल्स टू टू सिग्मा अपॉन आर, ये कन्वीनियंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आर जो है, आर किसका रेडियस है, तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस फाइंड आउट करना है इस केस में, ये लिक्विड का ऐसा सरफेस बन रहा है ऊपर में और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको फाइंड करना है। पॉसिबल है क्या, मतलब आसान है क्या? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, कैपिलरी के रेडियस के टर्म्स में एक फॉर्मूला निकालेंगे। अब कैपिलरी के रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला निकालने के लिए ये ट्राइंगल बना रहे हैं, जो ऊपर में रेड वाला ट्राइंगल है ना, ये आर था, ये थीटा था और ये स्मॉल आर था क्या? अब ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है यहां पर, इसमें अगर मैं कॉस थीटा लिखू तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कैपिटल आर के प्लेस में स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं क्या? कैपिटल आर के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जो भी वैल्यू आया यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते अगर, तो रो जी एच इक्वल्स टू हो जाएगा टू सिग्मा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, तो हाइट का जो फॉर्मूला आएगा ना वो आ जाता है टू सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर, हां या ना? हाइट का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, टू सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर, ये मेरे पास हाइट का फॉर्मूला बन के आ रहा है। अब एकदम ध्यान से देखना कि मैंने कैसे प्रूव किया, मैंने कैसे फाइंड आउट किया,
डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला तो याद रखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला, जिसको ये फॉर्मूला याद होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान से देखते हैं, पहले मतलब क्या कैसे हमने प्रूफ किया वो ध्यान से देखते हैं। हमने क्या बोला कि एक कैपिलरी है भाई, तो सबसे पहले माइंड दिमाग में क्या बैठा लेना है अपने को कि कैपिलरी जो है वो एक पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसका रेडियस या जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। अब उस कैपिलरी को जब एक लिक्विड में डिप करके रख दोगे, वाटर के केस में जब डिप करके रख दोगे, तो वाटर खुद ब खुद कुछ एच हाइट ऊपर चढ़ जाता है। अब वाटर जब खुद ब खुद एच हाइट ऊपर चढ़ गया है तो मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो एच का वैल्यू है वो कितना है। वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने प्रेशर लिखा, यहां पे प्रेशर है पी नॉट, यहां पर भी पी नॉट और यहां पर भी पी नॉट, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है तो हर जगह का प्रेशर सेम होता है, पी नॉट होता है। अच्छा, ये जो कर्वेचर के ऊपर वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट टू, ये भी तो कर्वेचर एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, मतलब इस वाले पॉइंट का भी प्रेशर कितना है, पी नॉट है। अच्छा, हम एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो भी कॉनकेव एंड होता है लिक्विड के सरफेस का, जो भी कॉनकेव एंड होता है वहां का प्रेशर ज्यादा होता है, कितने से ज्यादा होगा, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा। अच्छा, अभी फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकंड वाला, अब ये फर्स्ट वाले पॉइंट का प्रेशर लिखा मैंने, कैसे लिखा, यहां पे पी नॉट है और एच हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो अगर एच हाइट ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कितने से डिक्रीज होता है, तो रो इंटू जी इंटू एच से डिक्रीज होता है। तो पी वन का वैल्यू मैंने लिखा पी नॉट माइनस रो इंटू जी इंटू एच, किस तरह से पी वन का वैल्यू लिखा, ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, फिर पी टू इज ग्रेटर देन पी वन और कितने का डिफरेंस होता है, 2 सिग्मा अपॉन आर, ये आर क्या है, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर बहुत ही ध्यान से रखना है। जब डायग्राम आपने बनाया था वो एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर में जब आप आर लिखते थे वो किसका रेडियस होता था, कर्वेचर का रेडियस होता था। यहां पे दो रेडियसेस है हमारे पास, एक तो ये जो लिक्विड ऐसे फॉर्म हो रहा है इसका, इसका एक रेडियस होगा, और वो जो कैपिलरी है कैपिलरी का भी एक रेडियस है। क्या कैपिलरी के रेडियस को हमने स्मॉल आर माना है, और ये जो कर्वेचर है कर्वेचर के रेडियस को हमने क्या माना है, कैपिटल आर। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पी टू प्रेशर एट पॉइंट टू कितना था, पी नॉट था, प्रेशर एट पॉइंट वन कितना है, पी नॉट माइनस रोजी एच, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन आर, कैपिटल आर का मतलब किसका रेडियस लिख रहे हैं अभी, कर्वेचर का रेडियस लिख रहे हैं। सिंप्लीफाई करने पर रो इंटू जी इंटू एच 2 सिग्मा अपॉन आर आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास वो कैपिटल आर के टर्म्स में आ रहा है। अब कैपिटल आर जो है वो कर्वेचर का रेडियस है, उसको फाइंड करना, सोचो लिक्विड का कर्वेचर ऐसे बनाए, उसका रेडियस फाइंड करना, उसका रेडियस फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होगा क्या। तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल आर के टर्म्स में जो फॉर्मूला आया है उसको आसान बनाने के लिए कैपिलरी के रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला बनाते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि एक बार कैपिलरी तुमको मिल गया तो उसका रेडियस तो हमेशा पता है ना, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हमने वो जो रेड वाला ट्रायंगल था ना उसको अलग से बना दिया। ये मेरे पास कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। इस ट्रायंगल को देख के अगर कॉस थीटा लिखोगे तो आर अपॉन आर हो जाएगा, यहां से कैपिटल आर के प्लेस में आर अपॉन कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला था रो इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा, कैपिटल आर के प्लेस में स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया, यहां से अपने को एच का वैल्यू फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था ना कि लिक्विड कितना कॉलम ऊपर चढ़ गया, तो कितना कॉलम ऊपर चढ़ गया, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ठीक है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अलग सा फॉर्मूला है तो थोड़ा याद रखना मुश्किल हो सकता है, ये रॉजर होता है, ऐसा याद रखो 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रॉजर रो जी आर, जहां पे रॉजर में आर क्या है, तो आर इज द आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। आई होप ये समझ में आया होगा। ये पहला डेरिवेशन था कैपिलरी एक्शन का जो तुमको अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए यूज करना है। एक और डेरिवेशन बताऊंगा जिससे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का डेरिवेशन देख रहे हैं, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बता रहे हैं इसको। ये डेरिवेशन होता है वेट बैलेंसिंग डेरिवेशन, मतलब इसमें वेट बैलेंस करेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है ध्यान से देखें अगर, तो जो वाटर का सरफेस है, वाटर का सरफेस है वो क्या करेगा, कैपिलरी में इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्या, हमने देखा है, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में तो बोला जाता है कि यू हैव टू चेक द लोअर मेनिस्कस, ये लोअर मेनिस्कस अपने को देखने को बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं क्या। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है वो कोहेसिव फोर्सेस के, सॉरी एडहेसिव फोर्सेस का ऐसे ऊपर चढ़ती जाती है क्या, इधर भी ऐसे ऊपर चढ़ रही है, अपना जो एक्चुअल हाइट है वो तो सिर्फ यही है ना, ये जो भी एक्स्ट्रा चढ़ा है वो तो सरफेस टेंशन के कारण या एडहेसिव फोर्सेस के कारण ऊपर चढ़ा होता है। अच्छा, अब यहां पर हमने डिफाइन किया है
एंगल कॉन्टैक्ट एंगल, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल, जैसे यहां पे देखो अगर ये वॉटर है, अगर ये वॉटर है तो लिक्विड और ग्लास के केस में, वॉटर और ग्लास के केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल बनता था वो अक्यूट बना था क्या, हाँ या ना? अच्छा, अभी मुझे सरफेस टेंशन के कारण, मान लो ये जो लिक्विड है, लिक्विड जो वाटर है इसका सरफेस टेंशन है सिग्मा, मुझे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स दिखाना है। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा फॉर्म होता है क्या, इस तरह का शेप का फॉर्म होगा ना, इसको मैं बना भी सकता हूं। ये जो लिक्विड का सर्फेस है अगर आप देखोगे तो लिक्विड का सर्फेस कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ऊपर में जो लिक्विड का सरफेस है वो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब अगर सरफेस ऐसा फॉर्म हुआ है और मान लू कि इस लिक्विड के सरफेस में अगर मुझे फोर्स दिखाना है सरफेस टेंशन के कारण, तो अलोंग द सरफेस दिखाना होता है। फोर्स जब भी दिखाते हैं तो अपन क्या करते हैं, अलोंग द सरफेस, और ये जो सरफेस बनेगा उसके परपेंडिकुलर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो सरफेस जो है वो ऐसा सरफेस बन रहा है। अब अलोंग द सरफेस अगर मैं फोर्सेस दिखाऊंगा तो अलोंग द सरफेस जो फोर्सेस होंगे वो ऐसे होंगे, और ये क्या है, ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होंगे। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या डायग्राम कैसा है? तो ये मेरे पास ये ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है अलोंग द सरफेस, और ये फोर्सेस क्या है, वो जो इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन ये फॉर्म हुआ क्या, ये जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म हुआ हमेशा उसके परपेंडिकुलर। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन सर ये तो नहीं लग रहा परपेंडिकुलर। ध्यान से सोचो भाई, जो हमारे पास लिक्विड का सरफेस फॉर्म हुआ ऊपर, वो कुछ ऐसे ऐसे कर्व शेप का फॉर्म हो गया। अब ये जो लिक्विड का सरफेस है, फोर्सेस क्या दिखाते हैं, एक तो सरफेस के अलोंग दिखाना होता है, तो ये मेरा सरफेस था सरफेस के अलोंग, और ये एंगल 90 डिग्री बोल रहे हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन यहां पर बन रहा है, इमेजिन कर पा रहे हैं क्या, ऐसा था ना, ये इमेजिनरी लाइन यहां पर मैंने ऐसे लिया, ये सर्कल का जो इमेजिनरी लाइन है उसमें परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, हाँ या ना? तो लाइन पर परपेंडिकुलर दिखाना है और सरफेस के अलोंग दिखाना है। जब तक ये नहीं समझोगे कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कैसे दिखा रहे हैं, आप डायरेक्शन नहीं दिखा पाओगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से देखो एक बार, ये इस तरह का शेप हुआ, फोर्सेस को हम क्या करेंगे, सरफेस के अलोंग दिखाएंगे, देखो ऐसे सरफेस के अलोंग ऐसे से दिखाएंगे, और ये जो है ये 90 डिग्री है क्या इमेजिनरी लाइन से, ये इमेजिनरी लाइन था, ये यहां पे एक लाइन फॉर्म हो रहा था क्या ऐसे, इस इमेजिनरी लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये जो एंगल है, एक और हाथ की जरूरत थी, नहीं ऐसा, ये 90 डिग्री बनता, ये जो सरफेस है ना ऐसा, उसके साथ ये 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये जो सरफेस टेंशन कारण फोर्स है वो हर डायरेक्शन में लग रहा है क्या, पूरा हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, मतलब ये इस तरह का अरेंजमेंट है और ये फोर्सेस हर डायरेक्शन में ऐसे बिखर रहे हैं। अब अगर हर डायरेक्शन में फोर्सेस बिखर रहे हैं तो सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी लेंथ। ये इमेजिनरी लेंथ जो होगा, ये इमेजिनरी लेंथ है क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो इमेजिनरी लेंथ है वो 2 × π × r के बराबर है क्या, समय को ये नहीं समझ में आया। ध्यान से देखो भाई, हम सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लिख रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और ये जो रेडियस है वो स्मॉल r का है। अब सरफेस टेंशन के कारण फोर्स दिखाओगे तो सिग्मा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी लेंथ लिखना पड़ेगा, तो सिग्मा इंटू इमेजिनरी लेंथ कितना है, तो इमेजिनरी लेंथ यहां पे 2 × π × r है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, हमारे पास जो डायग्राम था उसके हिसाब से ये एंगल थीटा है क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे जो फोर्स है उसको मैं रिजोल्व कर सकता हूं। फोर्स को अगर मैं रिजोल्व करूं ना, इधर है, फोर्स को अगर मैं रिजोल्व करूं तो फोर्स को रिजोल्व करने से क्या होगा, देखो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का ये थीटा, तो यहां पे भी थीटा होगा, मान लो ये जो फोर्स है वो है डीएफ, तो यहां पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, डीएफ साइन थीटा, और यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, डीएफ कॉस थीटा। ऐसे ही सारे डीएफ 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 कॉस थीटा, सारे डीएफ कॉस थीटा ऐसे ऊपर जाएंगे क्या, और सारे डीएफ साइन थीटा, सारे डीएफ साइन थीटा, देखो ये डीएफ साइन थीटा इस वाले डीएफ साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला डीएफ साइन थीटा इधर वाला डीएफ साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो सारे डीएफ कॉस थीटा जुड़ते जाएंगे, मतलब सबके कॉस कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे और सबके साइन कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे, तो मेरे पास टोटल जो फोर्स आएगा सिग्मा 2πr कॉस थीटा का टोटल फोर्स आने वाला है क्या, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है सिग्मा 2πr कॉस थीटा के बराबर आ रहा है क्या।
अब ये जो फोर्स यहां पे ऊपर में जनरेट हुआ है, ये जो फोर्स ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, उसी ने तो लिक्विड को ऐसे ऊपर खींचा होगा। सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्सेस ऐसे थे उनका एक कंपोनेंट ऐसा है और एक कंपोनेंट ऐसा है, तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। जो ऊपर के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वही तो लिक्विड को ऊपर खींच रहा है। अगर वो लिक्विड को ऊपर खींच रहा है तो लिक्विड को ऊपर खींचने के लिए, अब ध्यान से देखो, ये लिक्विड जो है वो एच हाइट का है, मतलब ये अगर एक सिलेंडर मान लिया जाए, एक लिक्विड का सिलेंडर मान लिया जाए, तो यहां से लेकर यहां तक जो लिक्विड का वेट है उसको ऊपर किसने लाया, सरफेस टेंशन के फोर्स नहीं लाया ना, तो मैं ये जो फोर्स है उसको सरफेस, उसको उस लिक्विड के वेट से बैलेंस कर सकता हूं क्या। अब देखो लिक्विड का वेट कैसे निकालना है, मतलब मुझे ये वेट निकालना है यहां से यहां तक जो लिक्विड है उसका वेट, तो वेट का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास का मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट होने हैं, पाई आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, दैट इंप्लाइज एच का वैल्यू क्या लिखोगे, 2 सिग्मा कॉस थीटा, यहां पे ऊपर में रहने वाला है 2 सिग्मा कॉस थीटा, और यहां पे रो जी आर बचने वाला है क्या, रो जी आर, तो एच का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी इंटू आर। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ये सेकंड तरीका है। पहला तरीका हमने क्या किया था, एक्सेस प्रेशर को यूज करके फाइंड किया था पहला तरीका। सेकंड तरीका हम क्या करने वाले हैं, सेकंड तरीके में हम यूज करने वाले हैं सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ उसको यूज करके हम क्या करने वाले हैं, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी हाइट का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या किया है मैंने, एक बार ध्यान से सोचो, लिक्विड का सरफेस ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है सरफेस ऊपर में। अब अगर ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो फोर्स को हमेशा क्या करते हैं, सरफेस के अलोंग दिखाते हैं, मतलब जो भी फोर्सेस दिखाएंगे वो सरफेस के अलोंग दिखाएंगे। और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो जो 2πr का उसका जो सर्कमफेरेंस है उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर दिखाएंगे क्या, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो फोर्स है, जैसे मेरे पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसा कुछ आया है, अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट ऊपर बनाया जा सकता है क्या। अब ये जितने भी साइन कंपोनेंट आ रहे थे वो सारे डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट है ना, वो सारे डायरेक्शन के जो साइन कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो सारे डायरेक्शन के जो कॉस कंपोनेंट है वही तो ऊपर ऐड होते जाएंगे। अब नेट फोर्स अगर तुम देखोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू इमेजिनरी लेंथ, और उसका भी कौन सा कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ कॉस कंपोनेंट चाहिए, तो सिग्मा 2πr, इस केस में इमेजिनरी लेंथ ये पूरा फैला हुआ है क्या, इनटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में जनरेट हुआ है वो कर क्या रहा है, उसी ने तो लिक्विड को ऊपर खींचा है। अब अगर ये एच हाइट पे आके रुक गया, मतलब इतना लिक्विड उसने यहां से यहां तक के वेट के लिक्विड को इस फोर्स ने खींचा होगा क्या, तो हमने क्या कर दिया, इस फोर्स को इस लिक्विड के वेट से इक्वेट कर देते हैं। अब लिक्विड का वेट कैसे लिखेंगे, तो लिक्विड का वेट लिखने के लिए आप क्या करोगे, लिक्विड का डेंसिटी कितने वॉल्यूम का लिक्विड ऊपर आया इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब यहां पे जो कैंसिल आउट होने थे, पाई आर कैंसिल आउट हो गया, एच कैलकुलेट करना है तो 2 सिग्मा कॉस थीटा इधर न्यूमरेटर में रहने दिया, बाकी रो जी आर को नीचे लिख दिया, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। फिर से डेरिवेशन जो है, पहला डेरिवेशन याद रखो, सेकंड डेरिवेशन याद रखो, कोई भी डेरिवेशन तुम याद रखो, डेरिवेशन से तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। और दूसरी बात जो तुमको याद रखनी है, दूसरी बात जो तुमको यहां पर याद रखनी है वो क्या है, फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम क्वेश्चन को बिना हेजिटेशन के सॉल्व कर सकते हो, बात समझ में आया क्या। ठीक है, अच्छा अभी इसमें ना ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो नोट कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को नोट करना है, जो अपने को विजुअलाइज करना है, इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो हाइट का फॉर्मूला आया है, मेरे पास जो हाइट का फॉर्मूला आया है h, h का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, h इक्वल्स टू है यहां पर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू आर। ठीक है, अच्छा अभी कॉस थीटा,
अगर मैं बोलूं कि वाटर टाइप का लिक्विड था, वाटर के लिए ये थीटा यहां पर क्या है, ये यहां पर जो थीटा है, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल है क्या? अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने देखा था, हमने क्या देखा था, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो प्योर वाटर और ग्लास के लिए कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। अगर मैं प्योर वाटर और ये रख दूं तो ये जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कॉस 1 हो जाएगा। तो जब भी प्योर वाटर बोला गया है, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए प्योर वाटर एंड ग्लास, एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में बोला जाए प्योर वाटर एंड ग्लास, अगर ऐसा बोला जाए तो प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए थीटा क्या होता है, थीटा होता है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब एच जो होगा वो 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर। प्योर वाटर और ग्लास के केस में सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? अच्छा, ये मेरे पास पहला नोट पॉइंट था जो हमको याद रखना है। दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। दूसरा नोट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये थीटा पे ही बेस्ड है। अगर मैं बोलूं कि जो मेरे पास लिक्विड है, जो भी मेरे पास लिक्विड है उसका जो फोर्स ऑफ कोहेशन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, अगर कोहेशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो ये जो थीटा एंगल बनता था, जैसे मरकरी में जो थीटा था कॉन्टैक्ट एंगल, एग्जाम्पल टू या अगर नोट टू के बारे में बात करूं, इफ फोर्स ऑफ एडहेशन फोर्स ऑफ कोहेशन इफ फोर्स ऑफ कोहेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर ये जो फोर्स ऑफ कोहेशन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मरकरी, एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैं मरकरी के बारे में अगर बात करूं, तो एग्जाम्पल एचजी अगर मैं बोल रहा हूं, तो मरकरी के केस में ये जो थीटा था ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है क्या? अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा क्या? ऑब्ट्यूज मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। उस केस में अगर आप एच कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 सिग्मा जो भी इसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा का, ऐसा लिख देते हैं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो इनटू जी इनटू आर, ऐसा कुछ आएगा क्या? अब एच का वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब हो गया, अगर एच का वैल्यू पॉजिटिव आता था तो लिक्विड के सरफेस ऊपर चले जाते थे क्या? एच का वैल्यू पॉजिटिव मतलब जो भी लिक्विड का सरफेस बना था उस ऊपर चले जा रहे थे। अब एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, एच का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है जो भी लिक्विड का सरफेस है, जो भी लिक्विड का सरफेस है उसमें क्या होगा, नीचे आ जाएंगे। जैसे मान लो इस तरह से एच जी रखा हुआ है और आपने क्या कर दिया, कैपिलरी ऐसा डाल दिया, तो वॉटर के केस में वो ऊपर चढ़ता था क्या? यहां पे H नेगेटिव आ रहा है, H नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास HG हो गया, और देखो कॉन्टैक्ट एंगल क्या बनता है यहां पर, कॉन्टैक्ट एंगल यहां पर ऑब्ट्यूज बनता है, ठीक है। तो अगर वाटर होता है तो कैपिलरी राइज होता है, और अगर HG होगा या ऐसा कोई भी लिक्विड होगा जिसमें फोर्स ऑफ कोहेशन स्ट्रांग है तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है, मतलब सिंपल सा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला को एनालाइज करके मैं आपको ये सब बता रहा हूं। अच्छा, और एक चीज क्या है इसमें देखने वाला, इसमें और एक चीज अपन बात कर सकते हैं, इतना समझ में आया क्या? और एक चीज में इसमें जो इंपॉर्टेंट है बताने का, ये 2 कांस्टेंट है, एक लिक्विड के लिए 2 कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर पे सिग्मा भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये सब कांस्टेंट है, एक फॉर्मूला कर्वेचर के टर्म्स में भी आया था क्या, एक जो फॉर्मूला था वो कर्वेचर के टर्म्स में आया था, क्या आया था, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन रो जी कैपिटल आर, यहां पे आर क्या था, तो आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ सरफेस, जो भी सरफेस फॉर्म हुआ था कर्वेचर, जो भी सरफेस फॉर्म हुआ था उसका रेडियस है क्या, कैपिटल आर। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा रो इंटू जी इंटू आर, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास देखो क्या है, अब ये जो कंसेप्ट है वो प्रॉब्लम्स में आते हैं जो हम भी कंसेप्ट सिखा रहा हूं। यहां पर कैपिटल आर और ये एच को अगर मैं एक साइड रख दूं,
कैपिटल आर, और ये एच को मैं एक साइड रख दूं अगर, तो मेरे पास दूसरे साइड में क्या क्या है, टू सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी। ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है क्या? हाँ या ना? इसका मतलब क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस इंटू हाइट अटेंड, ये कॉन्स्टेंट आने वाला है क्या? अब ये जो होगा वो हमारे अगले कंसेप्ट का क्या है, बेसिक है। इसको हम क्या करेंगे, अपने अगले कंसेप्ट में यूज करेंगे। सिंपल सा याद क्या रखना है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो रो कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट, सिग्मा कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, सब अगर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। इस वाले आपको टर्म पे आपको AI ट्रिपल ई के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब उसको कहां पे यूज करेंगे वो देखते हैं, कहां पे यूज करेंगे इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है ये, स्मॉल हाइट कैपिलरी, स्मॉल हाइट कैपिलरी। स्मॉल हाइट कैपिलरी का मतलब क्या है? मान लो ऐसा बोला गया था कि जो लिक्विड है उस लिक्विड में अगर मैंने कैपिलरी डिप कर दिया, तो ये जो कैपिलरी में लिक्विड था, वो क्या कर रहा था, वो एच नॉट हाइट तक चढ़ सकता था और आर नॉट का उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता सरफेस का। बात ये क्वेश्चन मेंशन्ड है, क्वेश्चन में क्या ये आप समझ लो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि एक लिक्विड है जिसमें मैंने कैपिलरी डिप कर दिया। अब अगर ये कैपिलरी जो है वो सफिशियंट हाइट का होता, मतलब अच्छे खासे अगर हाइट का होता, तो एच नॉट कॉलम तक लिक्विड ऊपर चढ़ता और आर नॉट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ये मेंशन है क्वेश्चन में, क्या मेंशन है कि इफ द कैपिलरी वुड हैव बीन ऑफ अ सफिशियंट ऑफ अ सफिशियंट हाइट, then liquid would have gone, then liquid would have gone to h naught height, h-i-g-h-t height and radius of the curvature, would have been r naught, ये mentioned equation, ठीक है। लेकिन problem हमने क्या कर दिया, अब ये जो column है, ये अब क्या है, ये h नॉट हाइट तक है ही नहीं, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ किसी h हाइट तक है। बात समझ में आ रहा है, ये जो कॉलम था अगर ये पूरा पूरा हाइट का होता तो ये कितने हाइट तक जाता, h नॉट हाइट तक जाता। लेकिन अभी मैंने क्या रखा है, मैंने h नॉट हाइट दिया ही नहीं है, मैंने क्या रखा है इसको, कोई h हाइट रखा है, वेयर h इज स्मॉलर देन h नॉट। अब आपसे ये पूछा जाता है, अगर ठीक है भाई, अगर ये जो लिक्विड है, अगर ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी का हाइट वो जो मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता था उससे छोटा है अगर, तो क्या होगा? तो सबसे पहले ये आता है मन में कि भाई लिक्विड जो होगा ऊपर चढ़ के क्या करेगा, फ्लो करके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये गलत सोचना है, इसलिए है क्योंकि यहां पर जो लिक्विड आता है वही तो ऊपर खींच रहा है ना उसको। जैसे यहां पर किसी भी इंस्टेंट पे जो कर्वेचर फॉर्म हो रहा है,
कर्वेचर के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा था वही तो उसको ऊपर फॉर्म उसको ऊपर खींच रहा था। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ऊपर में कुछ जगह ही नहीं है, अगर ऊपर में कुछ जगह ही नहीं तो ऊपर में खींचने वाला फोर्स भी नहीं है ना। अगर ऊपर में खींचने वाला फोर्स भी नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड वहीं पे रुक जाएगा क्या? सर नहीं आया समझ में। अरे देखो भाई, जैसे ये जो है स्टार्टिंग में लिक्विड ऐसा है ना, स्टार्टिंग में लिक्विड ऐसा है, देखो ऐसा है लिक्विड, और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसका कर्वेचर बढ़ता जा रहा है क्या? क्यों क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये हमने पढ़ा है क्या, एच इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कॉन्स्टेंट है क्या? इसका मतलब H1R1 equals to H2R2 है। H1R1 अगर कांस्टेंट है तो H1R1 equals to H2R2 है। इसमें ये हो सकता है कि जितना कम हाइट होगा, जितना कम हाइट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा होगा क्या? ध्यान से देखो, पहले हाइट जब जीरो है, जब हाइट जीरो था, यहां पर था हाइट जीरो, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है। पहले जब हाइट जीरो है तो उसका कर्वेचर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है क्या? कर्वेचर टेंडिंग, देखो जितना ज्यादा कर्व मुड़ा हुआ होता है उतना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या? जब ऐसे है तो कुछ मुड़ा हुआ नहीं है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ता जा रहा है वो मुड़ता जा रहा है क्या, और फाइनली जब वो एच नॉट हाइट पे आएगा तो आर नॉट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ऐसा बोला गया है कि ये जो लिक्विड का जो ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी का हाइट अगर एच है विच इज लेस देन एच नॉट तो क्या होगा, तो लिक्विड कभी भी फॉल आउट करके बाहर नहीं जाने वाला। क्यों नहीं बाहर जाने वाला? क्योंकि जो सरफेस टेंशन का फोर्स था वही तो ऊपर खींच रहा था। अगर वो फोर्स ही नहीं होगा तो लिक्विड को ऊपर कौन खींचेगा? तो लिक्विड बाहर तो नहीं जाने वाला। अगर लिक्विड बाहर नहीं जाने वाला तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस वाले कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये एच है, मान लो मुझे क्या करना है, आर डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब नहीं सॉरी, ये तो एच नॉट वाला था ना, ये एच नॉट वाला था, ये तो है ही नहीं एक्चुअल में, ऐसा कुछ हो गया होगा। अपने को ये आर डैश कैलकुलेट करना है, तो सिंपल से ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे। एच वन एच नॉट हाइट होता तो वो आर नॉट तक जाता, तो अगर कैपिटल एच हाइट है तो कितना हाइट जाएगा ये पूछा गया है, तो उसको कैसे लिख देंगे, आर डैश इक्वल्स टू एच नॉट आर नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एच। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले पे, ठीक है? याद क्या रखना है कैपिलरी में, कैपिलरी का लिए लास्ट पॉइंट है वो ये याद रखना कि किसी भी पॉइंट पर जो हाइट लिक्विड ने अटेन किया और जो कर्वेचर बना उसका रेडियस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। तो अगर कैपिलरी अगर सफिशियंट हाइट का है तो लिक्विड को जितना चढ़ना है वो चढ़ जाएगा, लेकिन अगर कैपिलरी सफिशियंट हाइट का नहीं है तो उसका जो कर्वेचर होता है वो इस तरह से, ये नोट करके लिख लेना, वो उसका जो कर्वेचर है वो इस तरह से एडजस्ट होता है कि लिक्विड फ्लो करके बाहर ना जाए। और कर्वेचर अगर फाइंड करना है उस हाइट पर तो सिंपल सा ये कंसेप्ट यूज करेंगे, जिससे मुझे क्या मिलेगा, कर्वेचर का वैल्यू मिल जाएगा। तो इतना इसमें कंसेप्ट था, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, न्यूमेरिकल बचे हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल भी बता देंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब ये सब कंसेप्ट ध्यान से देखना है, ये पूरा लेक्चर देखो, ये जो पूरा सरफेस टेंशन है ना, ये पूरा सरफेस टेंशन एकदम याद करने वाला चैप्टर है। जैसे तुमने केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री में कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते होंगे, वहां पे वो तुमको पूरा याद करना होता है। उसी तरह से ये जो सरफेस टेंशन है इसमें जितना भी कंसेप्ट है वो मैं सारा कुछ मैंने बता दिया, मेरे कॉपी से तुमको एक ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉपी में जो लिखा हुआ है वो सफिशियंट होगा, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर पड़ेगा। ये ऐसा चैप्टर है ना, लोग भूल जाते हैं सरफेस टेंशन, और क्वेश्चन आ गए हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ये एक्सेस प्रेशर पे क्वेश्चन आता है, कैपिलरी राइज पे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब तुमको क्या करना है, पढ़ के रखना पड़ेगा। आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है? चलो।